हेलो फ्रेंड्स, आपका आरएस टेक्निकल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन लाया हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप अपने पैसे एक जगह सेफ रख सकते हो। फ्रेंड्स, मान लो जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो फ्रेंड्स, और आप किसी कोई सामान खरीदते हो फ्रेंड्स, और दुकान वाला सामान को अपने आपके उधार खाते में लिख देता है फ्रेंड्स, और वो कॉपी खो जाती है फ्रेंड्स। उससे अच्छा एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का नाम है खाता बुक ऐप फ्रेंड्स। वो ऐप आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और फ्रेंड्स एक जगह अपने पैसों को सेफ रख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ उस ऐप को कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ऐप पर जाना है और फ्रेंड्स ये ऐप 100% वर्क करेगा फ्रेंड्स। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको एप्लीकेशन के अंदर फ्रेंड्स। यहाँ से करता हूँ मैं बैक। जाने के बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन का नाम है खाता बुक ऐप फ्रेंड्स। हम सिंपली खाता बुक ऐप पर प्रेस कर देते हैं फ्रेंड्स। इसका इंटरफेस इस तरीका का आएगा फ्रेंड्स। आपको सिंपली क्या करना है, आपको जोन सी भी लैंग्वेज अच्छी लगी फ्रेंड्स उस पर प्रेस कर देना फ्रेंड्स। मैं इंग्लिश पर प्रेस कर देता हूँ फ्रेंड्स। इंग्लिश पर प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स आपको वहाँ पर ये स्टार्ट यूजिंग खाता बुक फ्रेंड्स आपको इस पर प्रेस करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। सिंपली आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना फ्रेंड्स। मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ फ्रेंड्स। नंबर डालने के बाद वहाँ पर आपका एक OTP आएगा। OTP पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। सिंपली अब आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली मोर पर जाना होगा। मोर पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर अपना नाम भी एडिट कर सकते हो फ्रेंड्स। सिंपली अब मैं चलता हूँ सिंपली QR कोड पर फ्रेंड्स। QR कोड पर जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लिख रही है यू नीड टू कम्प्लीट KYC टू रिसीव पेमेंट ऑन खाता बुक, कम्प्लीट KYC फ्रेंड्स। सिंपली यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद फ्रेंड्स सिंपली फिर दोबारा चलता हूँ फ्रेंड, कम्प्लीट KYC के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एंटर पिन कार्ड नंबर डालना है और फ्रेंड्स आपको OTP डालना है फ्रेंड्स। एंटर कार्ड नंबर डालने के बाद फ्रेंड्स आपको इस पर एक OTP आएगा फ्रेंड्स, आपको उस पर क्लिक करना फ्रेंड्स। सिंपली आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ से कर लेता हूँ मैं बैक फ्रेंड्स। ये आपके आधार नंबर और IFC कोड भी मांगेगा फ्रेंड्स, जिस बैंक का और मोबाइल नंबर उसी बैंक का होना चाहिए फ्रेंड्स। सिंपली आपको वो करना और कुछ नहीं करना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक। बैक करने के बाद फ्रेंड्स चलता हूँ मैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपको करना क्या होगा, रिक्वेस्ट मनी पर जाना होगा फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट मनी पर जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो क्या लिखा रहा है, टू ऐड कस्टमर केयर अलो खाता बुक टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में आप कस्टमर को ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर अलो के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप किसी को भी कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ से कर लेता हूँ बैक। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में भी जा सकते हो फ्रेंड्स। पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हो आप फ्रेंड्स, 24 मार्च ₹1 फ्रेंड्स, 23 मार्च ₹0 फ्रेंड्स। सिंपली क्या कर सकते हो आप फ्रेंड्स, पेंडिंग मनी रिक्वेस्ट भी देख सकते हो फ्रेंड्स। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कोई भी हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ फ्रेंड्स। आप इस तरीका से कस्टमर को जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलता हूँ मैं सेटिंग में। सेटिंग में फ्रेंड्स आप यहाँ पर लॉक भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं कर लेता हूँ बैक। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, होम पर चलता हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ से कस्टमर को ऐड भी कर सकते हो फ्रेंड्स। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी एप्लीकेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।